तो अब इस सीरीज की शुरुआत हो जाती है। उस वेब सीरीज का नाम है दहार, जिसकी आईएमडी रेटिंग है 7.5, जिसमें अपन को काम करती हुई नजर आती हैं सोनाक्षी सेना और साथ साथ विजय वर्मा जैसे अच्छे एक्टर्स। ये इसकी स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, एक राजस्थान में बेस्ड क्राइम स्टोरी है, जहाँ पर अचानक से लड़कियाँ गायब होने लगती हैं, यानी भागने लगती अपने लवर्स के साथ, पर उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि जिसके बाद वो वापस ही नहीं आती। अब आपको जान क्या घटना होती है वो जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है और ये मदर मिस्ट्री भी है, इसमें थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, पर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अपन को पता था पहले ही से कौन है सस्पेक्ट। बाकी इसकी स्टोरी मेरे को सबसे अच्छी लगी है और उसके ऊपर से एक्टिंग सुनाखी ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी और विजय वर्मा ने तो अलग ही लेवल की एक्टिंग करी है। आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। आप ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं अमेजोन प्राइम पे, ये अपने नंबर 6 पे आती है वेब सीरीज और उसमें थोड़े ऐसे सीन्स हैं तो उसको फिर बच्चे ना देखें और अब्यूजिव लैंग्वेज भी खूब काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अपन अगली वेब सीरीज़ की ओर। लिस्ट की अगली वेब सीरीज आया तो उसका नाम होने वाला है स्कूप, जो कि नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी आपको। इसकी आईएमडी रेटिंग है 7.8, जिसमें अपन को देखने को मिल जाता है करिश्मा तन्ना और देवन बोजरानी से अच्छे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिल जाते हैं। इसकी स्टोरी एक जर्नलिस्ट के अराउंड घूमती है और ये रियल बेस्ड स्टोरी है, तो और ये बहुत इसकी स्टोरी आपको थोड़ा इमोशनल फील करा देगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे सीन्स है, आपको लगता है भाई ये क्यों हो रहा है, एकदम जैसे आपको दिल को दहला देंगे इसमें ऐसे कुछ सीन्स। बाकी इसके बच्चे ना देखे 18+ सीन्स है, गालियाँ भी दी गई हैं कहीं कहीं जगह। बाकी इसकी स्टोरी तो आपको बहुत अच्छी लगी, इसमें आपको अंडरवर्ल्ड भी दिखाया गया है कि कैसे दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड है इसकी स्टोरी, ऐसा सब दिखाया गया है इसमें। इसके अलावा जिसकी स्टोरी में आपको थोड़ा जो करिश्मा तन्ना के साथ होता है उसको देख के आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है, दिल छू जाता है। उनकी एक्टिंग ने ऊपर से जो एक्टिंग करी है कसम से बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, सबसे बेस्ट एक्टिंग मुझे लगी है। और इसके साथ ही चलिए अब अपन बढ़ते अपनी अगली वेब सीरीज़ की ओर। अब जिसकी अगली वो वेब सीरीज आती है वो होने वाली डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सास बहू और फ्लेमिंगो, जिसकी आई एम डी रेटिंग 8.1 और जिसको ये पहला ऐसा सास बहू शो है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें आपको ऐसे वाले सीन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे और ये इस सीन में आपको ड्रग गन फाइट क्राइम सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको सास बहू और बेटी की केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी और इसमें कॉमेडी भी है, काफ़ी अच्छी कॉमेडी की गई है। इसके अलावा इसमें एक्टिंग जो है बहुत अच्छी की गई, खासकर डिंपल कपाड़िया मैम ने और इसके अलावा उनकी बहुओं ने मतलब राधिका मदान, अंगेरी धार और इशिका तलवार ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी। ऊपर से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग अश्विनी वर्मा की लगी, उन्होंने बहुत सारे कॉमिक सीन लाने की कोशिश करी, बहुत ही मज़ा आता उस सीन को देखने में। आपने अगर अब तक वेब सीरीज नहीं देखी तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ज़रूर देखनी चाहिए और ये इसको बच्चे ना देखें क्योंकि इसमें सारे बहुत ज़्यादा एक्टिंग सीन्स है, तो इसको कृपया अगर बच्चे ना देखें। तो चलिए अब इसी के साथ अपन बढ़ते अपनी अगली वेब सीरीज़ की ओर। अब इस लिस्ट की अगली वेब सीरीज फिर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज आती है, जो कि एक तेलुगु वेब सीरीज होने वाली है जिसका हिंदी डब ठीक ठाक है, मतलब इतना अच्छा लगा नहीं मुझे। इसका नाम है शैतान, जिसकी आईएमडी रेटिंग होने वाली है 8.3 और इसमें अपन को एक ऐसी फैमिली की कहानी दिखाई जाती है जिसमें उनको कुछ ऐसे कारणों के कारण उनको क्राइम करना पड़ता है, जिसके कारण वो फिर क्राइम में आगे बढ़ते जाते हैं और एंड में जाके पता नहीं आप देखोगे आपको वेब सीरीज तो आप कहाँ पहुँच जाते हो। ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए और ये अभी रिलीज़ हुई है हाल ही में, तो उसकी आईएमडी रेटिंग इसलिए थोड़ी हाई है पर इसकी आईएमडी रेटिंग गिर सकती है। और उसमें सबसे अच्छी बात इसकी सबके स्टार कास्ट की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, पर इसका हिंदी डब बहुत बेकार है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पता नहीं क्यों डब इतना बेकार होने लगा है भाई, समझ नहीं आता। बाकी इसकी कहा और बाकी तो ये भाई जो आपको सीरीज़ देखोगे तो आप कुछ समझ जाओगे। इसमें आपको अब्यूजिव लैंग्वेज तो इतनी नहीं देखने को मिलती है पर इसमें वैसे वाले सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो इसको प्लीज़ बच्चे ना देखें और इसलिए ये शामिल हुई है। तो चलिए अब बढ़ते अगली वेब सीरीज़ की ओर। अब लिस्ट की अगली वेब सीरीज यानी नंबर 2 पे आ जाती है वेब सीरीज़ का नाम है फर्जी। अगर ये वेब सीरीज़ नहीं होगी तो कौन सी होगी मुझे पता नहीं है। अभी तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज़ लगी है मुझे 2023 की, जिसकी आईएमडी रेटिंग 8.4 और जिसको आप अमेज़न प्राइम पे देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। इसमें अपन को शाहिद कपूर और उसके साथ साथ अपन को देखने को मिल जाते हैं विजय सेतुपति सर जो कि पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं और शाहिद कपूर अपने हैं एक आर्टिस्ट है। इसके अलावा के मैन उनकी राजा एक्टिंग, आपने अगर ये सीरीज नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। ऊपर से डायरेक्शन जो RJDK ने किया है भाई, जिनने अपनी फैमिली मैन बनाई है वो तो ये और उससे कनेक्टेड भी एक आपने देखी हुई सीरीज तो आपको पता है ये कैसे कनेक्टेड है। और इसके अलावा ये आपको बहुत अच्छी कॉमेडी भी देती है, इसमें कोई भी ऐसे वल्गर सीन नहीं पर अब्यूजिव लैंग्वेज के कारण इसको 18+ दिया गया है।
बाकी गाली भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इतनी बड़ी वाली नहीं है, फिर भी ठीक ठाक गालियाँ हैं आपको। इसको फैमिली के साथ तो बिल्कुल ना देखे तो वैसे ही है, मतलब आपको पता नहीं कहीं से भी चप्पल उठते आ जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अपन हम बढ़ते अपनी आखिरी वेब सीरीज की ओर। अब इस लिस्ट की आखिरी सीरीज होने वाली है, उसका नाम होने वाला जुबली, जिसकी आईएमडी रेटिंग है 8.4 और जो कि आपको अमेजन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। आपको इस सीरीज देखनी चाहिए। सीरीज बेस्ड 1947 के बॉम्बे पे, जहाँ पे अपन को उधर का बॉलीवुड दिखाया, बॉलीवुड नहीं बोलूँगा, उधर का सिनेमा दिखाया गया, जहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, यहाँ पे एक एक्टर निकल के आता है। और उसके अलावा उसमें अदिति रॉय, हेदी अपार शक्ति खुराना की लाजवाब एक्टिंग है, इसमें वैसे वाले सीन भी हैं, तो इसलिए इसको 18+ दिया गया है। इसमें अब्यूजिव नहीं है, बस के ट्विस्ट एंड टर्न काफ़ी अच्छे लगे मुझे। अगर आपने कोई सीरीज देखनी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आप तक यहाँ वीडियो तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।